देश में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ छात्र और छात्राओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। और सोनीपत में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोहाना रोड हनुमान मंदिर से लेकर लघु सचिवालय तक सरकार और नीट परीक्षा करवाने वाली संस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोबारा से पेपर करवाने की मांग रखी। MBBS में दाखिला लेने के लिए छात्र छात्राओं को देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा करवाने का जिम्मा नेशनल टेस्ट एजेंसी के पास है, लेकिन अब की बार नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद ये परिणाम सवालों के घेरे में है और आम आदमी पार्टी इसको लेकर सोनीपत की सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और जमकर नारेबाजी भी की। आम आदमी पार्टी ने दोबारा से पेपर करवाने की मांग की। देखिए, नीट का एग्जाम हुआ था, एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर भी एक स्कैम किया है। आज तक आपने जो भर्ती परीक्षा होती थी उनका स्कैम होते हुए सुना था, लेकिन जिस परीक्षा के तहत हमारे जो डॉक्टर है वो यूरोपीय देशों के अंदर जाकर के, UK के अंदर जाकर के, अमेरिका के अंदर जाकर के अपना नाम कमाते हैं, उस परीक्षा के अंदर धांधली होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर लगाता है। बच्चों का जो भविष्य है, 24 लाख बच्चे इस परीक्षा के अंदर परीक्षा दी थी और उनका जो भविष्य है जिस प्रकार से उनके साथ खिलवाड़ किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि शुरू के अंदर मना कर दिया था कि कोई धांधली इसके अंदर नहीं हुई है, और NTA जो कि जिस एजेंसी ने इसका एग्जाम लिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल है, और जिस प्रकार से जो स्कूल के जो प्रिंसिपल और बिहार और गोदारा के अंदर, गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी दूसरे प्रदेश की घूमती हुई दिखाई दी है। बच्चों ने जब उस गाड़ी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया तो उसके अंदर एडमिट कार्ड भी मिले। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ घोटाला इसके अंदर नीट के एग्जाम में किया गया है। नीट का जो एग्जाम है वो 10 से लेकर के 50 लाख रुपये तक इसकी बोली लगी है। गरीब परिवार, गरीब माँ बाप जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके ये सोचते कि वो डॉक्टर बनेगा, उसके साथ भी इस प्रकार का विश्वासघात करना कहाँ तक जायज है। आप देखिए कि अमीर लोग तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता तो बच्चे का जो है पेपर खरीद लेते हैं और उसको डॉक्टर बनाने की जो एक चाह है उनके बीच में बहुत बड़ी गलत के ऊपर अभिभावक जो है वो गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। मैं उन अभिभावकों से भी जो पेपर को खरीदते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे से उसकी जो इच्छा है कि वो क्या बनना चाहता है उसके ऊपर उसकी जो है एजुकेशन है वो करवाइए ताकि वो बच्चा सक्सेस हो पाए। देखिए, ग्रेस मार्क वाले बच्चे कितने हैं, 1300 कुछ समथिंग बच्चे उन्होंने निकाले हैं, और ग्रेस मार्क इसलिए दिए कि बच्चे जो है कि वहाँ पे जो एग्जाम था, पेपर था, वो लेट दिया गया था। आप ये बताइए कि एक 5 मिनट अगर ले जाओ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक UPSC एग्जाम देने के लिए बच्ची बाहर, उसकी माँ बार बार रो रही थी कि हमारे बच्चे को एग्जाम देने दिया जाए, जबकि समय पर पहुंच गई थी, किसी कारण नहीं। वो बच्चे वहाँ पर परेशान हो रहे, वो एग्जाम दिए अपना लौट रहे, और आप उनके ग्रेस मार्क दे करके जो 24 लाख बच्चे जो एग्जाम दिया उनका भविष्य कहाँ है? वो तो ठीक है, फिर पैसे वाले यहाँ पर पढ़ेंगे और लिखेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक नीति है कि जो गरीब का बच्चा है और जो अमीर का बच्चा उसको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही विचारधारा लेकर के शिक्षा की, ऐसा दूध है कि जो पिएगा उसको वही दहाड़ेगा। हम इस चीज़ को, बच्चों की जो आवाज़ है नीट के एग्जाम में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, हम बच्चों के साथ खड़े हैं आखिरी दम तक। अगर बड़े से बड़ा आंदोलन इसके विषय में करना पड़ा तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। जो ये नीट का एग्जाम में जो धांधली हुई है, आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आम आदमी पार्टी पूरे देश के बच्चों के साथ खड़ी है। जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी और बच्चों के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। इसमें आप भी देख रहे हो, पूरा का पूरा सिस्टम डेमो है बैठा है। जो बच्चे बेचारे अपने माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे भेजने की कोशिश करते हैं, ये बीच में खरीद फरोख चल रही है, इसमें सरकार का भी हाथ है, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। और आपसे यही प्रार्थना है कि आप सरकार तक हमारी बातें पहुँचाएँ और इसमें जो भी हो रहा है उसको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इस पेपर को या दोबारा किया करेंगे तो उसमें भी बच्चों का कितनों का भविष्य खराब होएगा। यही कहते हैं, अगर जो सरकार धांधली करी, मैं सरकार की मिली भगत है, खासकर BJP सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई।